जेएमएम के कद्दावर नेता चंपई सोरेन के नए राजनीतिक सफर का आगाज 30 अगस्त को होने जा रहा है, जब 40 साल के राजनीतिक सफर के बाद तीर धनुष का साथ छोड़कर चंपई सोरेन कमल थामते नजर आएंगे। अब चर्चा होने लगी है कि चंपई सोरेन के बीजेपी में जाने के बाद झारखंड की राजनीति कितनी बदलेगी, किस पार्टी को कितना फायदा होगा तो किसे नुकसान उठाना पड़ेगा। ऐसे में सवाल है कि आखिर कितनी बदलेगी राज्य की सियासी फिजा। चंपई सोरेन का बीजेपी परिवार में स्वागत करते हुए प्रवक्ता अशोक बड़ाइक ने कहा, उनके आने से बीजेपी को मजबूती मिलेगी जिसका असर आगामी विधानसभा चुनाव में भी देखने को मिलेगा। उन्होंने कहा कि वह पूर्व मुख्यमंत्री हैं, कोल्हान टाइगर के तौर पर लोग उन्हें जानते हैं और कोल्हान के अंदर जो उनका संघर्ष रहा है उसी वजह से उन्हें वहां के साथ साथ पूरे राज्य की जनता जानती है। उनके आने से भारतीय जनता पार्टी का दायरा बढ़ेगा। इसको लेकर सिमडेगा विधायक भूषण बाड़ा ने कहा, किसी के जाने से कोई फर्क नहीं पड़ता और एक बार फिर महागठबंधन मजबूती के साथ झारखंड में सरकार बनाएगी। मुझे उम्मीद है कि चंपई सोरेन एक बार फिर हमारे साथ होंगे। वहीं झारखंड मुक्ति मोर्चा ने चंपई सोरेन के बहाने भारतीय जनता पार्टी पर कटाक्ष करते हुए कहा कि चंपई सोरेन दिग्भ्रमित होकर गलत घर में चले गए, जिस घर को बनाने संवारने में योगदान था उस घर को छोड़ दिया है। बीजेपी अपने आप को कमजोर दिखा रही है, वह अंदर कलह की वजह से कमजोर होती जा रही है। वहीं इंडिया गठबंधन के पक्ष में झारखंड में एक तरफा लहर है, जैसे जैसे चुनाव नजदीक आएगा यह लहर और मजबूत होगी और हमारे पक्ष में लोग गोलबंद होंगे और इस बार की लड़ाई एक तरफा होगी।